सो अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 20 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि लेट एन ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 एंड लेट ए बी एंड एन बाई एन मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट ए टू द पावर के इक्वल्स टू 0 फॉर सम के ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। लेट आई बी द आइडेंटिटी एन बाई एन मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज एन बाई एन मैट्रिक्स, ओके, विथ रियल एंट्री सच दैट ए टू द पावर के इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। 0 मीन 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, ऑफ ऑर्डर एन, फाइन। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए का जो आइगन वैल्यूज होगा, क्योंकि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज विल बी 0, फाइन। अभी देखो यहाँ पे आई प्लस ए इस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है फर्स्ट 3 ऑप्शन में, तो क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, 0 0, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, दैट मीन्स 0 का जो मल्टीप्लिसिटी है दैट इज़ एन। तो यहाँ पे आई का जो आइगन वैल्यूज है, दैट इज़ आई क्या है, आई है एन बाई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो इसका आइगन वैल्यूज ऑब्वियसली 1 होगा, तो इसका मतलब ए प्लस आई ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, दैट मीन्स आई प्लस ए, इसका आइगन वैल्यू होगा 1 1 1 एंड सो ऑन 1। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, फाइन। तो देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आ गया रिजल्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, दैट मीन्स 1, फाइन। तो देखो थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट 1। अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट सेकंड में पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए कैन बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, इट इज़ फॉल्स बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली 1, सो बी आपका फॉल्स हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में नीड नॉट टू बी इन्वर्टिबल बट इट इज़ इन्वर्टिबल, सो ए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अभी रह गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बोल रहा है कि ए टू द पावर एन इज़ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, इज़ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स को अगर आप ये कंसीडर करते हो कि 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स अगर ए कंसीडर करते हो, देन यहाँ पे देखो ए स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर मींस क्या होगा, 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0। ओके, तो प्रोडक्ट करो क्या होगा, आई थिंक 0। ओके, तो 0 मिलेगा, ये 0 मैट्रिक्स हो गया। तो ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एन इक्वल्स टू 2 था, तो ए टू द पावर एन दैट मीन्स ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0, बट यहाँ पे बोल रहा है कि ए टू द पावर एन इज़ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, बट वी आर गेटिंग ए टू द पावर एन इन दैट केस अ 0 मैट्रिक्स, सो ऑप्शन डी भी आपका फॉल्स हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके।